Hello, I'm Joanna and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who dished whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check on what's making headlines today. Legendary actor Dilip Sahab ki autobiography launch mein shamil hua almost pura Bollywood. Nahi aaye Shah Rukh aur Salman Khan. Puri khabar News Now mein. Dikhayenge Tampa Bay mein hue IFA Awards 2014 ki kuch khas jhalkiyan और बिहाइंड द सीन्स. मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन पहुंची एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट पर. तलवार चलाना सीखने के अलावा रवीना ने की जमकर मस्ती. स्पाइस्ड अप सेगमेंट में दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का लेटेस्ट फोटोशूट. सिटी लाइट की सक्सेस के बाद भी पत्रलेखा ने क्यों नहीं साइन की अब तक कोई दूसरी फिल्म. पत्रलेखा ने बताया इसका रीजन. ले चलेंगे आपको वीरदास की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म अमित साहनी की लिस्ट के सॉन्ग व्हाट द फक के ऑन लोकेशन शूट पर. और एंड पिक्चर्स पर हुआ आमिर खान की अनरिलीज फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर. आमिर ने फिल्म को मिले अच्छे रिस्पॉन्स को लेकर दिखाई अपनी एक्साइटमेंट. सितारों से सजी ये शाम है लिविंग लेजेंड दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी के ग्रैंड लॉन्च के लिए. आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं. अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम. बस दीवानगी 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 है. ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर. बस दीवानगी 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 है. इस स्पेशल ओकेजन पर आमिर खान अपनी मॉम और किरण के साथ पहुंचे. वहीं अमिताभ बच्चन ने अकेले ही इस इवेंट को ग्रेस किया. माधुरी दीक्षित दिखी हबी श्रीराम नेने के संग. और प्रियंका चोपड़ा नजर आई दिलीप साहब के साथ अपने यूनिक बॉन्ड की बातें करते हुए. मेरी फैमिली के बहुत करीब रहे हैं दोनों एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके बड़े दिन के लिए रह सकती हूँ. वेटरन एक्टर्स में वैजयंती माला, धर्म पाजी, प्रेम चोपड़ा, जीनत अमान और फरीदा जलाल के साथ साथ ढेरों म्यूजिशियंस और सिंगर्स ने भी दिलीप साहब के लिए इस शाम को और भी सुहाना बना दिया. Well, it's a very memorable day. I have always been a huge fan of Yusuf Saab, probably one of his biggest fans. My father and him were very close. He was my father's hero, and so he's a bigger hero for me. Dilip Saab ek aise diggaj hain is film industry ke jinke bina is film industry ka naam kabhi liya nahi jayega. Very excited because Dilip Saab has been a legend, and today there's a book about his life and his times and how he dealt with his roles. And I'm very much looking forward to read the book. इतने बड़े स्टार हमारे दिलीप साहब से बड़ा कोई स्टार है नहीं. एक इंसान कैसे एक महान कलाकार बनता है, फिर महान कलाकार से वो कैसे एक इंसान बनता है और महान इंसान बनता है जिसका नाम है दिलीप कुमार. आपको बता दे कि 91 years old दिलीप साहब की मच अवेटेड ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो को लॉन्च किया वाइफ सायरा बानो, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और आमिर खान ने. करण जौहर ने इस शो को होस्ट किया तो आमिर ने प्रसून जोशी की लिखी हुई दिलीप साहब को डेडिकेटेड एक पोएम रिसाइट की. प्रसून जी एक्चुअली रिटन अ पोएम स्पेशली फॉर हिम एंड आई विल बी रीडिंग आउट दैट पोएम फॉर यूसुफ साहब टुडे व्हिच प्रसून हैज रिटन. लेकिन इस स्टार स्टडेड लॉन्च पर सबसे ज्यादा खुश दिखी दिलीप साहब की वाइफ सायरा बानो. आई एम फीलिंग ग्रेट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. This is a dream come true for me. जिन्होंने बुक से जुड़ी एक खास डिटेल सबके साथ शेयर की. कैरियर ग्राफ तो सब जानते हैं लेकिन उनके बचपन के बारे में और उनके ग्रोइंग अप इयर्स के बारे में वो उनके मुंह से सुने आप. For the first time he spoken about it. Best part of the book is our love story. So all in all कुछ ऐसी रही बॉलीवुड की सबसे यादगार शामों में से एक शाम जिसे स्टारी बनाया इन सेलेब्स की प्रेजेंस ने.
अवार्ड्स 2014 की एक से बढ़कर एक स्टारी परफॉर्मेंसेस तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। चलिए आज आपको दिखाते हैं इन परफॉर्मेंसेस के पीछे की रिहर्सल्स एंड सम बिहाइंड द सीन मोमेंट्स। टेक अ लुक। वेल, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है टू यू नो डू समथिंग दैट आई हैव नॉट डन, समथिंग दैट्स entertaining for me as well as my audience, my fans and the industry, the people who want to see me dance. एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर इस बार आ पहुंची है रवीना टंडन, और रवीना की मौजूदगी में कितना फनी और एंटरटेनिंग होने वाला है ये पूरा एपिसोड, इसकी एक झलक हम आपके लिए ले आए हैं हमारे जस्ट इन सेगमेंट में। सो लेट्स टेक अ लुक। मैंने आपके लिए एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्ट तैयार करवाया। रियली? यस। सब आपके फैन हैं। लड़की दीवानी लगे बाजी बाबा, परियों की रानी लगे बाजी बाबा, लड़की दीवानी लगे परियों की रानी लगे इतनी सुहानी लगे, बाजी बाजी दिल से दिल मिला दी, आ गया है एक बॉडीगार्ड, सबसे हॉट रो पूरा है उसकी बात, आ गया है एक बॉडीगार्ड, सबकी डिसाइड कर लिया अनु जी कि मैं तो इसको घर लेके जा रही हूँ, ये मेरा बॉडीगार्ड। डोले डोले दिल मेरा डोले, बोले बोले दिल मेरा बोले, प्यार के लिए जीना प्यार के लिए मरना, नफरत करने वाले सीख जाए प्यार करना। संदो जी के बारे में यार, चंद्रमुखी के बारे में तो कुछ गाई नहीं। सवाल है चंद्रमुखी, मैं इसे आधे घंटे द्वारा दरवाजे के चक्कर मारा, तुम की दरवाजा नहीं खोल रही। मैं चाहती हूँ कि मोनिशा और बाकी ये मेरे सब जो पैंथर्स हैं मुझे एक दो वो मूव्स सिखाएं। It's time for our spiced up segment, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोनाक्षी सिन्हा का लेटेस्ट फोटो शूट डन फॉर अ मैगजीन। सो लेट्स टेक अ लुक।
वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। City Lights is a success और recently राजकुमार राव और girlfriend पत्रलेखा ने फिल्म की सक्सेस को लेकर शेयर की उनकी खुशी। लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जितने लोग भी हमें मिल रहे हैं सब लोगों को हमारा काम, फिल्म, सॉन्ग सब कुछ पसंद आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आई थिंक वी कैन आस्क फॉर मोर। मैं तो बहुत खुश हूँ, सॉरी मैंने आपको काट दिया, देखिए मैं अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रही हूँ। राजकुमार एक इतने अच्छे अभिनेता है कि एक्टिंग तो गिव एंड टेक ही होता है, तो राजकुमार हमेशा अपने किरदार में रहते थे, तो अगर मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैं आई एम नॉट फीलिंग राखी या कुछ ऐसा, तो मैं उनको देखती थी और वो मतलब वो इतने फोकस रहते थे कि मुझे मतलब ऐसा लग, जिस दिन मैं फोकस नहीं रहती थी मुझे लगता था अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, यू नो आई एम हियर टू वर्क, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर्ड कर। सरप्राइजिंगली इस फिल्म की सक्सेस के बाद पत्रलेखा ने अभी तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। जी मैं देख रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ साइन नहीं किया है, पर देखते हैं जल्द। जबकि राजकुमार की दो बड़ी फिल्में आने वाली हैं। अभी डॉली की डोली है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो वो आई थिंक नवंबर में रिलीज हो करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। फिर है रेवोल्यूशन 2020 है राजकुमार गुप्ता जी के साथ। वेल राजकुमार तो इंडस्ट्री में खुद को एक एस्टैब्लिश एक्टर साबित करने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना ये है कि सिटी लाइट्स की सक्सेस पत्रलेखा के करियर की चमक कितनी बढ़ाती है। FARC, F-A-R-K, you should be very clear. Censor board, please control. Come on everybody, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Well, अगर आपको इस सॉन्ग के लिरिक्स में कोई कंफ्यूजन है तो वी दास करेंगे आपका कंफ्यूजन दूर। थीम ऑफ द सॉन्ग इज व्हाट द फर्क, कि दुनिया में what's the difference, enjoy life, की फर्क पैंदा, the English version I think. FARC, F-A-R-K, you should be very clear. Censor board, please control. And it's a fun, everybody in the film, all the friends, jitne bhi writers wagaira, sabko is song mein ek part diya gaya hai. Palash, hamare composer hai, so he's the vocalist. Shiv, hamare writer hai, so he's the drummer. Hamare choreographer, guitarist hai, so everybody's got a role in this song. दरअसल यहाँ चल रहा है वीर की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म अमित साहनी की लिस्ट का एक सॉन्ग शूट, और इस सॉन्ग का इंटरेस्टिंग टाइटल है व्हाट द फर्क। जी हाँ, व्हाट द फर्क है इस सॉन्ग का नाम, जिसके सिंगर हैं पलक मुचल के ब्रदर पलाश मुचल, जो इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं लीड एक्टर वीर दास के साथ स्क्रीन स्पेस। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट द फर्क, what the fuck वीर दास, यू आर for stand-up comedy now? Yes. You want to be a dancing star or what? Dancing star, I don't know. I think Jawab बहुत खराब डांसर हूँ जो मैं हूँ। लोग कहते हैं ना दे आर टू लेफ्ट फीट, मेरे पास करीबन 17 लेफ्ट फीट है। हैविंग कंपोजर्स लाइक पलाश मेकिंग ग्रेट ट्रैक्स लाइक व्हाट द फर्क हेल्प्स कैमोफ्लाज हाउ बैड आई एम एट सिंगिंग एंड डांसिंग इन दीज ट्रैक्स। But I'm having fun. और इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान that's exactly what he did, especially in this photo session with a trampoline, जहां वी नजर आए एक जंपिंग जैक अवतार में। Well, moving on to the others, यहाँ अपने भाई पलाश को सपोर्ट करने आई थी आशिकी 2 फेम सिंगर पलक मुचल भी, जिन्होंने श्रद्धा कपूर की सिंगिंग स्किल्स को काफी अप्रिशिएट किया। बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई मैं जब मैंने श्रद्धा कपूर का
गलियां का वर्जन सुना बिकॉज आई न्यू दैट शी सिंग्स बट आई डिडंट नो कि वो इतना ज़्यादा अच्छा गाती हैं और उनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है. आई थिंक वो जितनी अच्छी पर्सन है वो उनकी वॉइस में रिफ्लेक्ट करती है, वो मासूमियत और वो स्वीटनेस. सो आई विश ऑल द बेस्ट. वेल, तो ये रहा फिल्म अमित साहनी की लिस्ट का एक ऑन लोकेशन सॉन्ग शूट. गुड लक टू द टीम फॉर दिस वन. आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो. एक बार फिर साथ नजर आई फिल्म लगान के भुवन की टोली. आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो तू आ जा रे. जी हाँ, आमिर खान लगभग 13 साल के बाद फिर मिले अपनी लगान टीम से, जो इकट्ठा हुई एंड पिक्चर्स पर अपनी एक अनरिलीज फिल्म के टीवी प्रीमियर पर. या इट इज अ टेलीविजन प्रीमियर. आपने पूछा कि मतलब कौन सी फिल्म ऐसी? हाँ हाँ, अरे कितने लोगों ने पूछा मुझे, हर आदमी मुझसे पूछ रहा था क्या दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं. मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे. चले चलो, जो फिल्म है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, जो लगान कैसी बनी, मुझे बेहद पसंद आई और जितने लोगों ने देखी थी आज तक सबको इतनी पसंद आई थी. और मैं सोच रहा था कि यार ये मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं. मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये फिल्म देख पाएं. डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कोई इसको चलाता ही नहीं है. तो जब मैंने जी के टीम को ये फिल्म दिखाई तो जी की टीम को बहुत पसंद आई, उनको वाकई फिल्म बहुत पसंद आई. उनको लगा कि हाँ, हमें हमारे चैनल पर ये फिल्म दिखानी है. और फिर जब उन्होंने कहा कि हम कैसे पेश करेंगे, तो मैंने कहा यार मैं आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट. तो ये बातों से आइडिया आया कि हम लोग लाइव करते हैं, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ. और चूंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, रियल लाइफ के बारे में है, तो लोग देखकर मुझे सवाल भी पूछ पाएंगे. इट कैन बी एन इंटरैक्टिव सेशन. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सत्या डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्री चले चलो को फाइनली एक ग्रैंड रिलीज दिला ही दी है, जिसे मिले अच्छा रिस्पॉन्स को लेकर वो काफी खुश भी नजर आए. मुझे पता नहीं था कि लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, लेकिन जिस तरह से हम लोग ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. और मुझे बेहद खुशी है कि जो ये एक फिल्म, जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो हम लोग हिंदुस्तान में देखते नहीं. दूसरी खुशी की बात यह है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि फिल्म टीवी पे लाइव चल रही है और हम लोग भी लाइव बैठे हैं और हम लाइव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑडियंस के रिएक्शन का, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो, चाहे वो फ़ोन कॉल के जरिए हो, SMS के जरिए हो. और मुझे बड़ा मज़ा आया वो करके कि मैं फिल्म भी देख रहा हूँ और लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ. Well, सिर्फ इतना ही नहीं, ये आमिर की स्मार्ट स्ट्रेटजी का ही नतीजा है कि इस टीवी प्रीमियर को होस्ट किया खुद करण जौहर ने. I suggested Karan's name and I'm so glad Karan accepted because he's a wonderful host. Interestingly, इसी डॉक्यूमेंट्री के मेकिंग के दौरान आमिर और किरण पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जिसकी कुछ फॉन्ड मेमोरीज इन दोनों ने शेयर भी की. इतनी दोस्ती नहीं थी हमारी लगान के दौरान, लेकिन एक चीज़ याद है मुझे कि जब मैं कॉस्ट्यूम के एक्सेसरीज ढूंढ रहा था तो कपड़े तो हो गए थे लेकिन मुझे ईयरिंग्स चाहिए थे और जो ईयरिंग्स मेरे लिए लाए गए थे वो मुझे इतने पसंद नहीं थे, तो मुझे मिल नहीं रहा था. फिर मैंने एक दिन देखा कि जो हमारी AD हैं किरण, वो ऐसे मोटे ईयरिंग्स पहनी हुई थी. ठीक, तो मैंने इनसे कहा कि कैन आई ट्राई दोज ईयरिंग्स. तो उन्होंने ईयरिंग निकाल के दिया और जो लगान में जो ईयरिंग्स आप देखते हैं जो मैंने पहना है वो किरण जी के, याद उस बिग वंस. उनको कभी वापस नहीं मिले. सब बस में जा रहे थे भुज में, वी वर ट्रैवलिंग टू सेट. आमिर घूम के पीछे आए और ही वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू एवरीवन सेइंग हेलो आई एम आमिर, और सब से यू नो जान पहचान पर आ रहे थे. और मुझे लगा कि भाई बहुत ही नॉर्मल आदमी है. आई नेवर मेट अ पर्सन हु सो फेमस एंड सो ऑल ऑफ दिस एंड कम्प्लीटली अनइनहिबिटेड, नॉट एट ऑल यू नो, ही काइंड ऑफ वेरी डाउन टू अर्थ. तो मुझे लगा ठीक है, इट्स क्वाइट नाइस टू मीट अ स्टार. इफ ऑल स्टार्स आर लाइक दिस दे मस्ट बी प्रीटी कूल. सो स्वीट. हाँ, 13 साल पुरानी मेमोरीज को शेयर करने के बाद आमिर और किरण भी थोड़े नॉस्टैल्जिक जरूर हुए होंगे. लेकिन इस मीडिया इंटरेक्शन से ठीक पहले आमिर खान नाम की एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च हुई, जहाँ से आमिर खान मिसिंग थे. मैंने वो बुक देखी नहीं अभी तक, लेकिन प्रदीप जी बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर है,
तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, आई होप के मेरे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए उन्होंने। आमिर की एब्सेंस में इस कॉफी टेबल बुक को अनवील किया प्रीतिश नंदी और प्रहलाद कक्कर ने। तो कुछ यूं बीता वीकेंड रहा आमिर खान के नाम, जब वो टीवी से लेकर मीडिया इंटरेक्शन तक हर जगह छाए रहे। तो ये मेरा तरीका था टू इंट्रोड्यूस पीपल टू अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जैसे कि वो फिल्म देख रहे हैं घर पे बैठ के, मैं भी उसी वक्त उसी उनके साथ फिल्म देख रहा हूँ। सो दैट वाज अ गुड थिंग दैट वी डिड। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.